हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे एमटेक स्टॉक एनालिसिस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोहन राजवाड़े और आप देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के स्पेशल वीडियो सीरीज। साथियों, टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज में हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं और अब हम शुरुआत करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न का। कैंडलस्टिक पैटर्न में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे हैमर के ऊपर। हैमर के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे आपके बीच में। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक मैनुअल चार्ट बनाया हूँ, जैसे आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को रियल चार्ट में भी दिखाऊंगा कि लाइव चार्ट में भी किस तरीके से बनता है, वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हैमर के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले की भी जो वीडियो मैंने पोस्ट की है दोस्तों, उनमें बुलिश कैंडलस्टिक कैसे बनता है, कौन कौन से होते हैं, बेयरिश कैंडलस्टिक कैसे बनता है, इसके बारे में बात किया हूँ। तो अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि पिछला वीडियो इस वीडियो का बेसिक्स है। मैंने बहुत डिटेल में इनके बारे में बताए हैं, तो अगर उन वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो को समझने में आपको आसानी होगी। आने वाले भी जो कैंडलस्टिक पैटर्न होंगे दोस्तों, उनके बारे में भी समझना आसान हो जाएगा। इसके अलावा भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डबल टॉप, डबल बॉटम, इनके बारे में भी मैंने लगातार वीडियो पोस्ट किए हैं आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोग सभी वीडियो को देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार उन वीडियो को देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। उन वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अवेलेबल करा दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप हमारे होम पेज में भी जाके देख सकते हैं। जैसे आप हमारे यूट्यूब के होम पेज में जाएंगे दोस्तों, आपको एक प्लेलिस्ट नज़र आएगा टेक्निकल एनालिसिस सीरीज का। जैसे इसको क्लिक करेंगे आपको सभी वीडियो एक जगह नज़र आ जाएंगे। तो आप वन बाय वन करके सभी वीडियो को देख लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है इन वीडियो को समझने में। तो दोस्तों चलिए अब शुरुआत करते हैं हैमर का। हैमर क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ध्यान रखना है दोस्तों कि आप इन्हें डायरी पे नोट कर लीजिएगा तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इन्हें बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, बार बार अपने चार्ट से मैच करना पड़ेगा। तो अगर आप डायरी पे मेंटेन करेंगे इन चीज़ों को तो आपके लिए आने वाले समय के लिए अच्छा होगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर का। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में गिरा हुआ है लगातार। एक दो कैंडल इसका ग्रीन कैंडल भी है, लेकिन जब तक ग्रीन कैंडल इस कैंडल के ऊपर ना चले जाए, पिछला रेड कैंडल के ऊपर चले ना जाए, उसके ऊपर क्लोज ना कर जाए, दूसरे दिन उसके ऊपर और ट्रेड ना करे, तब तक ट्रेंड उसका नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम डाउन ट्रेंड ही मानते हैं। तो कंटिन्यू इसमें डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे एक हथौड़ी टाइप का कैंडल बना है, इसी को कहते हैं हैमर। इसी भाई साहब का नाम है हैमर। ठीक है, तो ये हैमर इतना बढ़िया बुलिश कैंडल होता है और इतना अच्छा ट्रेंड रिवर्सल को दर्शाता है दोस्तों, कि ये 8-10% तो बड़े आसानी से दे देता है। अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न होता है। तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड होना चाहिए, और ये डाउन ट्रेंड का कोई भी कैंडल इस ग्रीन कैंडल इस हैमर के नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस हैमर के नीचे नहीं होना चाहिए। देखिए, जब यहाँ पर कैंडल बना है तो कई लोग ये भी बोलेंगे कि सर इसका विक्स क्या ऊपर की तरफ नहीं रहता है? ऊपर की तरफ भी रहेगा, थोड़ा मोड़ा ऊपर भी रहेगा, बहुत बड़ा नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इन सभी कैंडल में भी विक्स रहेगा। मैं यहाँ पे मैनुअल बनाया हूँ इसलिए आपको यहाँ पे विक्स नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, मारू बाजू टाइप का कैंडल दिखाई दे रहा है, लेकिन सभी कैंडल में इसी टाइप का विक्स रहेंगे। ये जो लोअर साइड का विक्स होगा, इसको टेल भी कहते हैं, कई लोग शेडो भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो शेडो है ना, ये लंबा रहेगा, ये बिल्कुल हथौड़ी के जैसा दिखाई देगा। मतलब यहाँ से कोई पकड़ ले और ठोकना शुरू कर दे। ठीक है, तो हैमर यहाँ पे जब बनेगा, देखिए कैंडल बन जाना हमारे लिए जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है, इसके बाद जो कैंडल बनेगा, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये हमारे लिए जरूरी है। ये कैंडल कैसा बनता है, मान लो कि ये कैंडल ऐसा बन गया तो भी हमें रुकना पड़ेगा, या कैंडल यहाँ पे रेड बन गया तो भी हमें रुकना पड़ेगा। रेड कैंडल से एक बात और याद आई दोस्तों, कि ये जो हैमर बनेगा ना, इसके कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, ये रेड भी बन सकता है, एक ग्रीन भी बन सकता है, हमारे लिए कलर का कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए जरूरी है कि बनता कहाँ पे है, बनना चाहिए कहाँ पे, बॉटम पे बनना चाहिए। बॉटम मतलब इसके आसपास फिर कोई लो ना हो, हो सकता है कि लाइफ टाइम लो हो, ये भी हो सकता है कि पिछले 4-5 साल का लो हो, तो वहां पे कोई आपको दूसरा लो नजर नहीं आएगा, ये बॉटम का एरिया होगा। लेकिन ज्यादातर केस में कैसा होता है कि ये किसी 100 TMA के पास होता है, 200 TMA के पास होता है, या फिर पिछले सपोर्ट के पास होता है, मतलब
कि पिछले बार जब स्टॉक यहाँ से ऊपर गया होगा, ठीक है, तो वहां पर होगा। तो ध्यान रखना है कि एक डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पे बनना चाहिए और कोई भी कैंडल का लो इस हैमर के लो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये डाउन ट्रेंड माना जाएगा। ओके, और जब इसके बाद जो कैंडल बनेगा, अगला कैंडल, ये कैंडल इस रेड कैंडल का, मतलब प्रीवियस कैंडल, ये रेड कैंडल क्या कहलाएगा, प्रीवियस कैंडल, इस प्रीवियस कैंडल के ऊपर चले जाए, मतलब कि ये प्राइस 900 का हो, ठीक है, तो ये प्राइस 901 चले जाए, ठीक है, ये कैंडल चले जाए, ये कैंडल चले जाए, दोनों में से कोई भी कैंडल चले जाए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये कैंडल छोटा हो जाता है, ऐसा इस प्राइस के ऊपर नहीं जा पाता है। हैमर एक्टिवेट कब होगा, जब इस प्राइस के ऊपर चले जाएगा, तो मान लीजिए एक कैंडल चले गया, ये कैंडल, दोनों में से कोई भी कैंडल जाए, ठीक है, तो जैसे ही ये कैंडल 901 के ऊपर जाएगा, ये एक्टिवेट माना जाएगा, तो ट्रेंड रिवर्सल का साइन हमें कन्फर्म हो जाता है। तो कन्फर्म कब होता है, जब हैमर के बाद बनने वाला कोई ग्रीन कैंडल होगा, वो हमें कंफर्म करता है कि अब ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे आना चाहिए। तो इस लो का, हैमर के लो का स्टॉपस लगाते हैं, प्रीवियस कैंडल रेड कैंडल के ऊपर चले जाता है, तब हम इसमें बाई का एंट्री लेते हैं और हमारे लिए टारगेट यहाँ तक होता है। कहाँ तक, जहाँ से ट्रेंड शुरुआत हुई है डाउन ट्रेंड, वहाँ तक का टारगेट बनता है। अगर ये प्राइस 1000 का है और वहाँ से गिरते गिरते 900 तक आया है, तो यहाँ से जब रिवर्स होगा तो ये स्टॉक अपसाइड में 1000 तक जाना चाहिए, 1000 तक जाना चाहिए। लेकिन एक बात और नोट कीजिए, कभी भी गारंटेड नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कहीं पर बीच में कोई ट्रेंड रिवर्स हो जाए, तो आपको बीच से ही निकलना पड़ेगा। आने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न में बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि रिवर्सल कैंडल फिर कैसे बनेगा। अगर ये अप ट्रेंड जा रहा है, तो बीच में अगर कोई रिवर्सल कैंडल बन जाए, तो वहाँ से हमें एग्जिट भी करना पड़ता है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हैमर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ट्रेंड रिवर्सल को दर्शाता है, डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम या सपोर्ट के पास बनता है, एक्टिवेट होने के बाद ट्रेड लेते हैं। एक्टिवेट का मतलब प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर हैमर के बाद बनने वाला कैंडल ब्रेक कर जाए तो एक्टिवेट माना जाता है। हैमर का लो, हैमर का जो भी लो बनेगा, उसका स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाइंग पोजीशन लिया जाता है। शॉर्ट टर्म के ट्रेड के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है। शॉर्ट टर्म का ट्रेड मतलब 8-10% तो बहुत नॉर्मल मिल जाता है इसमें। अगर ये गिरावट ज़्यादा बड़ा हो, तो ये ज़्यादा बड़ा भी टारगेट दे देता है। देखना यह है कि ट्रेंड कितना बड़ा है, जितना बड़ा ट्रेंड होगा इतना बड़ा इसका टारगेट बनता है। तो आपने यहाँ पे समझा, चलिए एक लाइन और यहाँ पे लिख लीजिए, अगर हैमर के पहले वाला कैंडल, प्रीवियस कैंडल, ठीक हैमर के पहले वाला कैंडल, हैमर जैसे बना ठीक इसके पहले वाला कैंडल, अगर ये बिग साइज का हो, किसके बिग साइज का, इधर जो कैंडल इधर बना हुआ है ना, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, ये जो कैंडल बने हुए हैं, जो डाउन साइड के गिरावट वाले कैंडल हैं, अगर इन कैंडल से बड़ा हो, बिग हो, ठीक है, बिग साइज का हो, तो आपको एंट्री इसके ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, मतलब ये बिग साइज के कैंडल के ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। जैसे हैमर के ऊपर आने वाला कैंडल ब्रेक करता है, जैसे ही हैमर के प्राइस को ब्रेक करता है ये वाली ग्रीन कैंडल, आपको एंट्री ले लेना चाहिए। अगर आप इसके ऊपर एंट्री लेंगे तो स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर प्रीवियस कैंडल बिग साइज का हो, तो आपको एंट्री हैमर के ठीक ऊपर ले लेना चाहिए। लेकिन हैमर के प्राइस के ऊपर आने वाले कैंडल का प्राइस जरूर ब्रेक करना चाहिए, इसके बाद एंट्री ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल इसके ऊपर नहीं जा पाता है, ऐसे हो जाता है कैंडल, ठीक है, ऐसा कैंडल बन जाता है, तो आपको यहाँ एंट्री नहीं लेना है, फिर एक कैंडल के ऊपर एंट्री लेना है। कब लेना है, जब हैमर के ऊपर चले जाएगा तब, ठीक है, स्टॉप लॉस आपका सेम रहेगा। तो दोस्तों ये मैंने हैमर के बारे में बताया, अब यहाँ पे आप लोग हैमर के बारे में कुछ लिख लीजिए, यहाँ पे इसके बारे में मैंने कुछ डिटेल लिख दिए हैं, इनको आप अपने डायरी पे नोट कर लीजिए। हैमर का एक कैंडल है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बॉटम पे बनना चाहिए, लोअर लेवल पे बनना चाहिए, ठीक है। हैमर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यह चार्ट में डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम या सपोर्ट के पास बनता है। कहाँ पे बनता है, ये वाला एरिया होगा, वो बॉटम लाइन होगा या सपोर्ट का लाइन होगा, ओके। हैमर कैंडल ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करता है, मतलब इसमें जो डाउन ट्रेंड आया है, ये डाउन ट्रेंड को रिवर्स का ये इंडिकेट करता है। मतलब अगर हैमर कैंडल बना है, तो ये माना जाएगा कि यहाँ से इसमें ट्रेंड रिवर्सल
हो सकता है, तो जैसा ये कैंडल बनता है हमें तैयार हो जाना चाहिए कि इसमें एक बाइंग ट्रेड हमें बन सकता है अगर एक्टिवेट हो जाए तो। एक्टिवेट कैसे होता है आपको पता चल गया है, एक्टिव होने पर पोजीशन बनाया जाता है, मतलब बाइंग का पोजीशन बनाया जाता है। हैमर कैंडल का लो पॉइंट स्टॉप लॉस होता है, जैसे मैंने बताया हैमर का जो लो होगा वही इसका स्टॉप लॉस होगा जब बाइंग का पोजीशन बनाते हैं तो। ट्रेंड रिवर्सल का टारगेट जहां से ट्रेंड की शुरुआत हुई होती है, मतलब अगर ये डाउन ट्रेंड है तो जहां से ट्रेंड की शुरुआत हुई होती है वहां तक का टारगेट मिलना चाहिए बनता है, ठीक है। अगर बीच में कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न ना बने जहां से अप ट्रेंड की शुरुआत होती है, ठीक है, तो फिर आप पोजीशन लास्ट तक होल्ड कर सकते हैं, जब तक यहां तक का टारगेट ना मिले आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ट्रेंड रिवर्सल का टारगेट जहां से ट्रेंड की शुरुआत हुई होती है वहां तक बनता है। हैमर एक्टिव होने के बाद पोजीशन बनाई गई है तो तब तक पोजीशन में खड़े रहना चाहिए जब तक टारगेट पूरा ना हो जाए या कोई ट्रेंड रिवर्सल का साइन न मिल जाए। क्या बोल रहा है भाई कि अगर आपने यहाँ पे पोजीशन बनाया है, एक्टिवेट होने के बाद पोजीशन बनाया है, तो अपने पोजीशन में तब तक खड़े रहना चाहिए जब तक कि ये यहाँ तक का टारगेट पूरा ना कर जाए, अप ट्रेंड में यहाँ तक चले ना जाए, तब तक आपको खड़े रहना चाहिए, या फिर बीच में कोई ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न बन जाए तो भाई रफा दफा करो, पोजीशन कट करो, ठीक है। किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न में जो आने वाले आपका और भी बुलिश पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा उसमें, या कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा उसमें, शॉर्ट टर्म में मतलब स्विंग ट्रेडिंग में टारगेट 8 से 10% बहुत आसानी से मिल जाता है। क्या 8 से 10% का टारगेट बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर ये ट्रेंड 20% का है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 20% का टारगेट मिल जाता है, ठीक है। और अगर ये 25% का है तो आप 25% का उम्मीद कर सकते हैं। अगर ये ट्रेंड 5% का है तो आपको 5% ही टारगेट मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर ट्रेंड छोटा है तो उसको अवॉइड कीजिए। ट्रेंड इसमें कम से कम 10-12% का तो होना चाहिए गिरावट, तो ट्रेड आपके लिए ज़्यादा परफेक्ट होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है अगर प्रीवियस कैंडल बिग साइज का हो तो एक्टिव बहुत फास्ट होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो कैंडल है अगर ये बिग साइज का है तो आने वाला जो कैंडल होता है ना वैसे होता है, ऐसे ही कैंडल बनता है, आने वाला कैंडल भी इसी टाइप का बनता है। ये 2-3 कैंडल में भी टारगेट पूरा कर सकता है, ध्यान रखिएगा। तो जब बिग कैंडल बनता है दोस्तों, इसलिए उस पर पहले पोजिशन बनाते हैं, क्योंकि रिवर्सल भी उसी गति से स्पीड में मिलता है, ठीक है। तो ये हुआ हैमर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब मैं आप लोगों को रियल चार्ट में लेके चलता हूँ, हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए ये चार्ट है, ठीक है। अब ये बाटा इंडिया का चार्ट है, ओके। अब आप देख रहे हैं कि इसमें ट्रेंड कितना शानदार डाउन ट्रेंड देखने को मिला, यहाँ से कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड मिला, ओके। और यहाँ पर ये हैमर बना, इस ग्रीन कैंडल को हम हैमर कहते हैं, जो मैंने यहाँ पे ग्रीन का जो घेरा लगाया है इसको हम हैमर कहते हैं, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे कितना बेहतरीन ट्रेड मिला। अब इसमें होगा क्या दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इस रेड कैंडल के ऊपर हमें एंट्री लेना है। मतलब एंट्री कहाँ मिला इसमें, एंट्री का प्राइस आप देखेंगे तो 535 यहाँ पे प्राइस दिखेगा आपको। एंट्री का लेवल क्या होगा, 535। स्टॉप लॉस क्या हुआ, 502, मतलब आप इसमें 500 का स्टॉप लॉस रख सकते थे, 500 का। और इसका टारगेट क्या बनना चाहिए था, 580 का टारगेट मिला, डन हो गया। तो इसमें ट्रेड क्या हुआ दोस्तों, जितनी बड़ी गिरावट उतनी बड़ी टारगेट, बहुत परफेक्ट ट्रेड बनेगा। स्विंग ट्रेडिंग में इसका जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप केवल हैमर को ही देख के केवल खरीदारी करें ना दोस्तों, तो मुझे लगता है आप स्टॉक मार्केट में हमेशा पैसा कमा के जाएंगे। हमेशा का मतलब हमेशा, ठीक है, लॉस नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो स्टॉप लॉस भी होता है, ये तो कैंडल बहुत बड़ा है, इसका कैंडल और छोटा होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए इसके कैंडल में देखिए आप एक बेहतरीन कैंडल बना था यहाँ पे, ये देखो। देखिए अब यहाँ पे ट्रेड कैसे करेंगे दोस्तों, चूंकि ये जो कैंडल है ना, ये प्रीवियस कैंडल का बहुत बड़ा कैंडल था, ए कैंडल, तो आपको एंट्री कहाँ लेना है, इसी हैमर के ठीक ऊपर एंट्री ले लेना है। तो 8530 के आसपास एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस क्या था, 8250। टारगेट कहाँ बनना था, यहाँ तक बनना था, कहाँ, 9350 तक। मतलब आप सोचो कितना, 100 पॉइंट यहाँ टारगेट, लगभग 800 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। स्टॉप लॉस इसके सामने में क्या है, स्टॉप लॉस इसके सामने में क्या है, लगभग लगभग 250 पॉइंट का, 8260-8250 का स्टॉप लॉस है लगभग, और आपका टारगेट यहाँ पे 800 का मिल रहा है, जबरदस्त है। मतलब इसमें
एंट्री कहाँ मिला? 8530। एक्टिवेट कहाँ हुआ दोस्तों? 8530 के आसपास। स्टॉप लॉस क्या हुआ? 8250 का। टारगेट क्या बना है? टारगेट बना है आपका 9350, 9340 के आसपास का आपका टारगेट जबरदस्त मिल गया है। तो आपने देखा यहां से कितना बेहतरीन ट्रेड मिला है, और भी इसका चार्ट में दिखाता हूं आपको। हैमर तो इतना बेहतरीन ट्रेड है, मैं बहुत ट्रेड करता हूं हैमर पे। यहां पर देखिए, यहां पे बहुत बेहतरीन ट्रेड मिला है। अब इसको देखो दोस्तों, इसकी टारगेट कहां तक मिलना चाहिए? यहां तक मिलना चाहिए। ओके, ए पॉइंट क्या है? ए पॉइंट कहां? 7240 से नीचे गिरा। कहां तक गिरा? ये गिरावट आया 6480 के आसपास का, यही इसका बॉटम लाइन था। ओके, आप यहाँ पे मूविंग एवरेज भी मैच कर सकते हैं। मारुति का चार्ट है, मारुति का चार्ट है, आप देखिए इसको। और अभी डेट है 19 का, मतलब 27/3/2019 के आसपास का चार्ट है, ठीक है। आप इसको मैच कराइएगा अपने चार्ट से, और आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये 6620 के आसपास एक्टिवेट हुआ, ठीक है। ये भी कैंडल बुलिश कैंडल है, आने वाले कैंडल में बताऊंगा ये वाली कैंडल, ठीक है। ये दोनों कैंडल रेड कैंडल भी कंफर्मेशन है, ये भी ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन का है, और ये हैमर है, ये भी कंफर्मेशन का है। तो यहाँ पे असल में ट्रिपल कंफर्मेशन था, तो यहाँ पे ट्रेड तो बनना ही बनना था, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या था? 6470 के आसपास का। ओके, एक्टिवेट कहाँ हुआ? एक्टिवेट हुआ दोस्तों एटलीस्ट 6630 के आसपास, और फिर टारगेट देखो कितना शानदार, कितना शानदार टारगेट मिला। मतलब अगर आप यहां से देखें तो 6600 से अपर साइड का टारगेट मिला इसको 7200 तक। मतलब आप यहां से भी देखें दोस्तों तो 600 का टारगेट आपको मिल रहा है। स्टॉप लॉस क्या लग रहा है? स्टॉप लॉस लगभग लगभग आपका 100-125 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 600 पॉइंट का टारगेट है। तो इस तरीके से आप चार्ट फाइंड आउट कीजिए। देखिए, जितना चार्ट आप फाइंड आउट करेंगे उतने तरीके से ट्रेड मिलेगा। आप निफ्टी 50 के ही स्टॉक में अगर ट्रेड करते हैं, केवल निफ्टी 50 के स्टॉक में ट्रेड करते हैं, तब भी आप हमेशा एक पोजीशन ओपन कर सकते हैं, हमेशा एक पोजीशन ओपन कर सकते हैं। बहुत सारा चार्ट आप ना देखें तब भी निफ्टी 50 के 50 स्टॉक में चार्ट आप फाइंड आउट करते रहें। जहां ढूंढेंगे, जितना ढूंढेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न 25-26 कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं, कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न एक्टिव होते रहता है, कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको ट्रेड मिलते रहता है। जितने बार ढूंढेंगे उतने बार ट्रेड बनेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं, ये छोटा ट्रेंड था, यहाँ से एक छोटा ट्रेंड था, तो ऐसे ट्रेंड को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इसको ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसे ट्रेंड में अवॉइड करना चाहिए। हालांकि यहाँ पे डबल बॉटम बना था, तो ये डबल बॉटम पैटर्न का ट्रेड था। एक बात और आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कई लोग ऐसे पैटर्न में भी ट्रेड ढूंढते हैं, ऐसे पैटर्न में भी ट्रेड ढूंढते हैं, ये है साइडवेज पैटर्न, ठीक है। जबकि यहाँ पर हैमर बना हुआ है, तो ऐसा पैटर्न अच्छा नहीं माना जाता है। हमें एक डाउन ट्रेंड चाहिए। क्या चाहिए? हमें एक डाउन ट्रेंड चाहिए, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चाहिए। वो अच्छा खासा डाउन ट्रेंड ही आपको अच्छा प्रॉफिट दिखा सकता है, या अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकता है। मैं एक आध स्टॉक में और दिखाता हूं आप लोगों को, बहुत बेहतरीन ट्रेड बनता है ये, इसको देखो ये कितना बेहतरीन ट्रेड है। ये कितना बेहतरीन डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिला था, यहाँ से 3000 के आसपास से कंटिन्यू इसमें गिरावट देखने को मिला था, 2300 तक आया था। ये एक्टिवेट हुआ इस प्रीवियस कैंडल के ऊपर 2470 के आसपास, ठीक है। इसके बाद क्या शानदार ट्रेड मिला, और ऐसा दो कैंडल, ठीक है, दो कैंडल भी टारगेट देने के लिए पर्याप्त है। आप तो प्रॉफिट ही बुक इतना बड़े ऊपर करते कि आपको 8% 10% की बात नहीं है, कभी कभी जब मिलता है तो छप्पड़ फाड़ के मिल जाता है, बड़ा बड़ा भी टारगेट आपको मिल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जब इस टाइप का आपका पैटर्न ढूंढते हैं तो। ओके, ऐसे ही आप अपने चार्ट में ढूंढते रहिए। जितने बार आप अपने चार्ट में ढूंढेंगे, जितना चार्ट ढूंढेंगे उतना ट्रेड मिलेगा आपको। चाहे आप निफ्टी में ढूंढते रहिए, बैंक निफ्टी में ढूंढते रहिए, सब जगह मिलेगा। ऐसा नहीं है, कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा है कि भाव को पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न में एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे आप लोग यहाँ पे एंट्री ले लिए, ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया अपर साइड में, जैसे यहाँ से मूवमेंट आया इसको जाना चाहिए यहाँ तक, लेकिन ये जो कैंडल है ना, एक कैंडल को शूटिंग स्टार करते हैं, ठीक है। तो ट्रेंड रिवर्स हो गया, तो आपको क्या है, आपको मौका देता है। कैंडलस्टिक पैटर्न की एक सबसे बड़ी खासियत होता है कि अगर वो पैटर्न फेल भी हो रहा है, नोट कीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न अगर फेल भी हो रहा है तो आपको मौका देता है, आपको मौका देता है, 1-2-3 दिन आपको मौका देता है। जैसे आप ट्रेड लेते हो तो ट्रेड लेने के बाद आपका ट्रेंड ना रुकना नहीं चाहिए, ट्रेड लेने के बाद वो ट्रेंड आपको कंटिन्यू ऐसे होना चाहिए। अगर ट्रेंड रुक रहा है
ठीक है, ट्रेंड होल्ड कर रहा है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, समझो, देखो कि चार्ट असल में बोल क्या रहा है। यही तो है चार्ट, ठीक है, इसी चार्ट को तो पढ़ना है। जैसे आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पैटर्न था, देखो, और यहाँ तक एक शानदार ट्रेड मिला, ठीक है, एक शानदार ट्रेड मिला, और कहाँ पे था ये, डबल बॉटम एरिया में था। तो ऐसे अगर फाइंड आउट कर सकें आप बैंक निफ्टी में, देखो सेम ही चीज मिलेगा, बैंक निफ्टी में भी मिलेगा, ओके। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पैटर्न बना था यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग देखो, ये दो कैंडल एक्टिवेट नहीं हुआ, ऐसे ही जब हैमर बनता है तो ये दो कैंडल इस टाइप का नहीं फंसना चाहिए, ओके। अगर फंसता भी है और आपने ले ही लिया है तो आपको इस तरीके से मौका देता है एग्जिट करने का, जल्दी स्टॉप लॉस नहीं होता कैंडलस्टिक पैटर्न में, ध्यान रखिए। एक तो पहली बात, एक बात और नोट कीजिए, एक तो ट्रेड मिलेगा नहीं, क्या, एक तो ट्रेड आपको मिलेगा नहीं, अगर मिला तो जल्दी खत्म नहीं होगा, क्या, पहली बात कि एक तो ट्रेड मिलेगा नहीं, और अगर ट्रेड मिला तो जल्दी खत्म नहीं होगा। आपको इन सब चीजों को नोटिस रखना है, ध्यान रखना है। जैसे कि अभी भी एक पैटर्न बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, ये चार्ट को आप बड़ा करेंगे तो बहुत आसानी से दिखेगा। तो एक हथौड़ी जैसा एक पैटर्न बना हुआ है और वहां से कंटिन्यू अभी अपसाइड का मोमेंट दिखा रहा है, हालांकि ये काफी बड़ी गिरावट है। एक बात और भी नोटिस कीजिएगा दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न में 50% 40% का टारगेट नहीं मिलेगा, बड़ा टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेड नहीं है, शॉर्ट टर्म का ट्रेड है कैंडलस्टिक पैटर्न। तो कैंडलस्टिक पैटर्न में जब भी ट्रेड करें, 10% 15% में पहला प्रॉफिट बुक करें, अगर 20% 25 मिल रहे हैं तो थोड़ा और प्रॉफिट बुक कर लें, अगर उसके ऊपर जा रहा है तो पहला जहां प्रॉफिट बुक करते हैं उसका आप स्टॉप लॉस रख लें, ठीक है। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाएं, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न में मैंने तो ऐसा नहीं महसूस किया है कि उसमें 40-50% का टारगेट मिलता है, कभी कभी इत्तेफाक से मिल जाता है लेकिन बड़ा टारगेट नहीं मिलता है, ठीक है। बड़े टारगेट के लिए बड़ा टाइम फ्रेम चाहिए, बड़े टारगेट के लिए और एडवांस लेवल का चीजें आपको सीखना पड़ेगा, वो आने वाले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, या आप चाहें तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में मैं एडवांस लेवल की काफी चीजें बताता हूँ दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन क्लास के लिए इंटरेस्टेड हैं दोस्तों तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं और हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की दोस्तों हैमर के बारे में, इंट्राडे में भी इसी तरीके से आप हैमर का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे छोटे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करके आप हैमर से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देखे, बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ मैंने लगा दिया है, ठीक है, आप इस कैंडल को देखो, लेकिन ध्यान रखना है एक ट्रेंड होना चाहिए, एक ट्रेंड होना चाहिए, अगर एक ट्रेंड रहेगा तो आपको ट्रेड बहुत बेहतरीन मिलेगा। देखो यहाँ पे एक ट्रेड और है, यहाँ पे एक कैंडल को देखिए, इस कैंडल को, ये रेड वाले कैंडल को देखो, कितना बढ़िया पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे ही आप किसी में भी, चाहे आप इंडेक्स में देख सकते हैं, चाहे आप स्टॉक में देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही फाइंड आउट कीजिए, लेकिन आपको इंट्राडे में देखना है कि उसमें एक ट्रेंड है कि नहीं, डाउन ट्रेंड है कि नहीं। हाँ, इंट्राडे में एक बात ध्यान रखना है कि पैटर्न बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं, तो आपको भी उसी गति से बदलना पड़ेगा, ठीक है, इंट्राडे में अगर आप देखते हैं तो। इंट्राडे में क्योंकि फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, ठीक है, तुरंत तुरंत चार्ट बदल जाता है, कई सारे न्यूज आ जाते हैं, न्यूज की वजह से बदल जाते हैं, तो उसमें मौका थोड़ा कम मिलता है, ओके। तो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये कितना बढ़िया पैटर्न बना और यहाँ से पूरा रिवर्स हो गया, मतलब जहां से आया है वहां तक तो ये मोमेंट आपको दिखा देता है, ठीक है, इतना बढ़िया पैटर्न बनता है। स्टॉप लॉस छोटा बनता है, टारगेट बहुत बड़ा बनता है, लगभग आपकी स्टॉप लॉस का 1:3 1:4 तक का टारगेट मिल जाता है, मतलब अगर आपके सामने 10 रुपए के स्टॉप लॉस है तो आपके सामने 40 रुपए से 50 रुपए का टारगेट मिल जाता है, तो ट्रेड बहुत अच्छा बनता है। तो आने वाले वीडियो में और भी चार्ट पैटर्न देखेंगे। अब मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा एक बेरिश पैटर्न का बनाऊंगा, तो आपको एक बुलिश पैटर्न और एक बेरिश पैटर्न दोनों का कम्बिनेशन करके वीडियो लगातार मिलते रहेंगे दोस्तों। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और हाँ, आपको एक वर्क देता हूँ, एक होमवर्क देता हूँ कि आप अपने चार्ट को मैच कराइए हमारे चार्ट से, उनमें बुलिश पैटर्न ढूंढिए, फाइंड आउट कीजिए, देखिए, जितना चार्ट को रीड करेंगे आप उतना अच्छा मास्टरी हासिल करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस का कैंडलस्टिक पैटर्न एक तरह से ब्रह्मास्त्र है, अगर आप इसको इस्तेमाल कर सकें तो स्विंग ट्रेडिंग में आप कंटिन्यू पैसा कमा सकते हैं, कंटिन्यू आप प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, तो ये हुआ दोस्तों हैमर के ऊपर वीडियो हमारा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।